संसद के विशेष सत्र को लेकर बुधवार यानी 9 सितंबर को एजेंडा सामने आ गया है। संसद के स्पेशल सेशन में आजादी के 75 सालों पर संविधान सभा से लेकर आज तक की उपलब्धियां पर चर्चा होगी। एजेंडे में 4 बिलों का भी जिक्र है। इन 4 बिलों में एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023, पोस्ट ऑफिस बिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल है। इन 4 बिलों में वो विवादास्पद बिल भी शामिल हैं जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नई कमेटी बनाई गई है। इस विधेयक के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का प्रावधान है। इन 3 सदस्यों में पीएम, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की कमेटी में चीफ जस्टिस भी शामिल होते थे, लेकिन नए बिल में CJI को शामिल नहीं करने को लेकर विपक्ष हमलावर है। इससे पहले बुधवार को दिन में सरकार ने बताया कि 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं होगा। इसी को लेकर विपक्ष गठबंधन इंडिया पार्टी का सवाल भी सामने आया है। विपक्ष गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने सत्र को लेकर कहा कि वो 18 सितंबर से बुलाए गए संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र में देश से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग करना चाहता है, लेकिन सरकार को ये बताना चाहिए कि बैठक का विशेष एजेंडा क्या है। सरकार संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि 18 सितंबर को शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान देश की आर्थिक स्थिति, जातीय जनगणना, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध और अडानी समूह से जुड़े नए खुलासों की पृष्ठभूमि में संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग समेत 9 मुद्दों पर उचित नियमों के तहत चर्चा कराई जाए। संसद का स्पेशल सेशन सोमवार यानी 18 सितंबर को शुरू हो रहा है, जो कि शुक्रवार 22 सितंबर तक चलेगा।